जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में शुक्रवार को आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए नायब सूबेदार विपिन कुमार और सिपाही अरविंद सिंह के गांवों में मातम पसरा है। जैसे ही मुठभेड़ में नायब सूबेदार विपिन कुमार की शहादत की खबर गांव में पहुंची, राजौरी जिले के पतराड़ा गांव के लोग उनके घर पर इकट्ठा हो गए। देश और इस गांव का जो बेटा यहां से शहीद हुआ है, बहुत ही पढ़ा लिखा नौजवान और एक गरीब परिवार से और इसने ये देश सेवा करते हुए ये नायब सूबेदार विपिन शर्मा जी ये देश के लिए शहीद हुए हैं और हम सभी इनके बलिदान को नमन करते हैं और भारतीय सरकार से ये अपील करते हैं कि इस मिलिटेंसी के खिलाफ जो जम्मू कश्मीर को पिछले 30 सालों से इसने त्रस्त किया हुआ है और इस मिलिटेंसी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। गाँव वालों ने सरकार से विपिन कुमार के परिवार का खास ख्याल रखने की अपील की। ये जो हमारा लड़का जो शहीद हुआ है उसका नाम विपिन पाल है, ये गरीब घर का बेटा था और ये देश के लिए शहीद हुआ है। हमें तो गर्व भी है और दुख भी है और हम सरकार से यही अपील करते हैं कि ये ऐसे परिवार का ध्यान रखा जाए और इस परिवार के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। हर महीने में, हर 15 दिन में कोई ना कोई वीर जवान जो है शहादत को पा रहा है और उसके पीछे जो परिवार है उसके ऊपर क्या गुजरती है। चंद फैसिलिटेशन सरकार की तरफ से मिलेगा, चंद फैसिलिटियां मिलेंगी, पैसा मिलेगा, उससे क्या होगा। उसके जो जितना भी फैसिलिटेशन सरकार करती है, क्या एक बच्चे को उसका बाप मिल जाएगा, क्या एक माँ को उसका बेटा। आप अरबों खरबों नरबों पैसे ला के रख दीजिए माँ के चरणों में, क्या माँ को जो उसका जो बेटा है वो मिलेगा, नहीं मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में भी दुख में डूबे लोगों की ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। शहीद सिपाही अरविंद सिंह यहीं के रहने वाले थे। मुठभेड़ में घायल होने के बाद इलाज के दौरान सिपाही अरविंद सिंह और नायब सूबेदार विपिन कुमार ने आखिरी सांस ली। इस बारे में मेरे को रात को आई थी कॉल तकरीबन 9:30 बजे, तो उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे आपके ब्रदर नहीं रहे अब, तो उधर डोडा किश्तवाड़ में सर्च ऑपरेशन चला हुआ था। ये ऑपरेशन चला था, बोला कि कम से कम 12 बजे, दोपहर को 12:30 बजे तो इंट मिली थी कि ऊपर मिलिटेंट हैं, तो वो सर्च करते हुए गए। जब उन्होंने कुछ नहीं मिला उनको तो वापस वो आ रहे थे, तो नीचे मिलिटेंट ने अमुश लगाया हुआ था और जैसे वो नीचे पहुंचे उनके ऊपर फायरिंग खोल दी। कल रात को न्यूज़ में जब हमने देखा तो इतना शॉक हुआ, बहुत ही कर्मठ। हमने एक अपना भाई खो दिया, पर हमें फख्र है कि ये देश के लिए बलिदान किया। इसका बलिदान पूरा नदौन के क्षेत्र, पूरा हमीरपुर के क्षेत्र कभी भूल नहीं पाएगा। ये दोनों भाई आर्मी में कार्यरत हैं, छोटा भाई भी आर्मी में कार्यरत है। अभी 2 साल पहले ही अरविंद जी की शादी हुई थी और एक छोटा बच्चा 7-8 महीने का है। आतंकवादियों के साथ किश्तवाड़ में मुठभेड़ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनावों से कुछ दिन पहले हुई है। पहले चरण में 18 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में शुक्रवार को आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए नायब सूबेदार विपिन कुमार और सिपाही अरविंद सिंह के गांवों में मातम पसरा है। जैसे ही मुठभेड़ में नायब सूबेदार विपिन कुमार की शहादत की खबर गांव में पहुंची, राजौरी जिले के पतराड़ा गांव के लोग उनके घर पर इकट्ठा हो गए। देश और इस गांव का जो बेटा यहां से शहीद हुआ है, बहुत ही पढ़ा लिखा नौजवान और एक गरीब परिवार से और इसने ये देश सेवा करते हुए ये नायब सूबेदार विपिन शर्मा जी ये देश के लिए शहीद हुए हैं और हम सभी इनके बलिदान को नमन करते हैं और भारतीय सरकार से ये अपील करते हैं कि इस मिलिटेंसी के खिलाफ जो जम्मू कश्मीर को पिछले 30 सालों से इसने त्रस्त किया हुआ है
और इस मिलिटेंसी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। गाँव वालों ने सरकार से विपिन कुमार के परिवार का खास ख्याल रखने की अपील की। ये जो हमारा लड़का जो शहीद हुआ है उसका नाम विपिन पाल है। ये गरीब घर का बेटा था और ये देश के लिए शहीद हुआ है। हमें तो गर्व भी है और दुख भी है और हम सरकार से यही अपील करते हैं कि ये ऐसे परिवार का ध्यान रखा जाए और इस परिवार के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। हर महीने में, हर 15 दिन में कोई ना कोई वीर जवान जो है शहादत को पा रहा है और उसके पीछे जो परिवार है उसके ऊपर क्या गुजरती है। चंद फैसिलिटेशन सरकार की तरफ से मिलेगा, चंद फैसिलिटियां मिलेंगी, पैसा मिलेगा, उससे क्या होगा। उसके जो जितना भी फैसिलिटेशन सरकार करती है, क्या एक बच्चे को उसका बाप मिल जाएगा, क्या एक माँ को उसका बेटा। आप अरबों खरबों नरबों पैसे ला के रख दीजिए माँ के चरणों में, क्या माँ को जो उसका जो बेटा है वो मिलेगा, नहीं मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में भी दुख में डूबे लोगों की ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। शहीद सिपाही अरविंद सिंह यहीं के रहने वाले थे। मुठभेड़ में घायल होने के बाद इलाज के दौरान सिपाही अरविंद सिंह और नायब सूबेदार विपिन कुमार ने आखिरी सांस ली। इस बारे में मेरे को रात को आई थी कॉल तकरीबन 9:30 बजे, तो उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे आपके ब्रदर नहीं रहे अब। तो उधर डोडा किश्तवाड़ में सर्च ऑपरेशन चला हुआ था, ये ऑपरेशन चला था, बोला कि कम से कम 12 बजे, दोपहर को 12:30 बजे तो इंट मिली थी कि ऊपर मिलिटेंट हैं। तो वो सर्च करते हुए गए, जब उन्होंने कुछ नहीं मिला उनको तो वापस वो आ रहे थे, तो नीचे मिलिटेंट ने अमुश लगाया हुआ था और जैसे वो नीचे पहुंचे उनके ऊपर फायरिंग खोल दी। कल रात को न्यूज़ में जब हमने देखा तो शॉक हुआ, बहुत ही कर्मठ। हमने एक अपना भाई खो दिया, पर हमें फक्र है कि ये देश के लिए बलिदान किया। इसका बलिदान पूरा नदौन के क्षेत्र, पूरा हमीरपुर के क्षेत्र कभी भूल नहीं पाएगा। ये दोनों भाई आर्मी में कार्यरत हैं, छोटा भाई भी आर्मी में कार्यरत है। अभी 2 साल पहले ही अरविंद जी की शादी हुई थी और एक छोटा बच्चा 7-8 महीने का है। आतंकवादियों के साथ किश्तवाड़ में मुठभेड़ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनावों से कुछ दिन पहले हुई है। पहले चरण में 18 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।